अभी भाखरी की शुरुआत हो चुकी है और सुबह हो चुका है, तो यहाँ पे मैं सिखंड बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने सॉफ्ट रुमाल में दही रख दिया है, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पानी निकल रहा है, तो अभी घट हो जाएगा। उसके बाद मैं सिखंड बनाने वाली हूँ, सब प्रोसेस आपको दिखाने वाली हूँ, तो एंड तक देखना मत भूलिएगा। और अभी यहाँ पे सब पानी निकल रहा है, 3-4 घंटे रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है, तो अभी सब मसाला डाल रही हूँ, जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी और नमक और तेल। अभी पानी डालने के बाद सब आटा गूंद लेती हूँ। हमारा सिखंड हो चुका है रेडी, और उसके बाद अभी चिक्कू डालेंगे और कुकर डालेंगे। इंजल ने पूरी यहाँ से जार में से मस्त दही होता है उनको छान छान के इतना मस्त शिखंड निकल गया है। 2 लीटर दूध लिया था मैंने, उसके बाद इतना ही हो गया। अच्छा, शक्कर डालेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। ड्राई फ्रूट डालेंगे तो भाई बहुत ही मजा आने वाला है शिखंड भाई। रुई का ब्लॉग आप सब लोगों ने देख ही लिया होगा, तो खास नहीं देखा वापस देख लीजिए। और अभी गोल गोल मटोल मटोल पूरिया हो जाएगी रेडी। शिखंड तो किंजल ने रेडी कर दिया है और बहुत ही बढ़िया। मेरे मॉम थी तब वो शिखंड बहुत ही मस्त बनाती थी। यहाँ पे बादाम क्रश हो रही है और यहाँ पे शिखंड रेडी है, और उसमें डालने के लिए मस्त चिक्कू भी रेडी है, और ये है दड़ेली खांड, ये भी रेडी है। तो सारा इंतजाम हो चुका है, अभी हम क्रश कर देते हैं। शिखंड हो चुका है रेडी और मजा आने वाला है भाई। अभी पूरियां बनने वाली है कि थोड़ी देर में। श्रीखंड गर्मी का टाइम हो चुका है शुरू, और श्रीखंड ठंडा ठंडा कूल कूल खाने में मजा आने वाला है भाई। किंजल तो मजा आवे नहीं बनावत खोल पड़े। हाँ ये भी चाह किंजल। भी बनेगी आलू की सब्जी और पूरी और सिखंड, तो अभी खाएंगे और एंजॉय करेंगे। सब्जी के वो भी दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने तेल रख दिया है, थोड़ी सी राई, थोड़ा जीरा, टमाटर, आलू डाल दिया है और सब मसाला भी मिक्स कर लिया है। तो थोड़ा सा पानी डालने के बाद अभी कुकर का ढक्कन ढक देंगे। यहाँ पे हमारा पूरी का आटा भी रेडी हो चुका है, अभी बनाएगी पूरी के बाद फ्राई करेंगे। किंजल ने यहाँ पे पूरी मस्त मस्त बनना कर दिया है शुरू। थोड़ी बड़ी है लेकिन चलेगी। भले चलेगा चलेगा किंजल, थोड़ा बड़ा है लेकिन चलेगा, क्योंकि अभी बहुत जल्दी में है ना, तो थोड़ा इसीलिए। जब भी पूरी अभी रेडी होगी आपको वापस दिखाते हैं। तो गर्मा गर्म हमारा भाई बटेका का शाक हो गया है रेडी। पूरी के साथ बटेका का शाक बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, श्रीखंड के साथ बटेका का शाक अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पे पूरिया तड़ना हो चुके हैं शुरू, और गोल मटोल पूरिया बन रही है। मेरी जैसी, किंजल की जैसी, किंजल के जैसे। बार बार मुझे मारते रहते हैं, मैं मस्ती करता रहता हूँ। तो यहाँ पे भाई आज धीरे से लगाए। अच्छा ऐसा है, ओके। जो छाटा उड़िया, जो छाटा उड़िया। यहाँ पे अभी मस्त पूरिया रेडी हो जाएगी गोल मटोल। वाह किंजल, मजा आने वाला है शिखंड पूरी के साथ। मजा आने वाला खास। जब भी रूही का वीडियो देखा होगा तब काफी लोगों को रोना आया होगा। जब रूही रियल में रोने लगी, जब मैं वीडियो एडिट करता था तब मुझे भी दुख हो रहा था, और जब हम शूट कर रहे थे और रूही रियल में रो रही थी तब भी बहुत दुख हो रहा था। लेकिन फिर मैं वो एक्ट खत्म नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने वो कंटिन्यू किया है ना किंजल, वरना बहुत दुख हो रहा था हमें भी। रोई थी रियल में उसको देखकर। रियल में हमें भी आंसू आ गए थे, लेकिन मेरी बेटी बहुत मस्त आगे जाएगी, बहुत ही उसका दिल नाजुक है, वो पता चलेगा। हाँ लेकिन ऐसा फ्रेंड्स, काफी
ऐसे जो लोग होते हैं ना बाहर बेचारे खड़े होते हैं, उनके साथ काफी ऐसे अन्याय होता रहता है। वो बेचारा रात भर कमा, पता है हम सूरत में थे तब सूरत मार्केट में सब वो लाइन से खड़े रहते हैं और उनके पास भाड़ा मांगने के लिए आते थे, उसका सब्जी बिकता नहीं बिकता फिर भी वो परेशान होकर चले जाते। मैंने देखा है ये जो एक्ट किया ना वो मैंने देखा है, इसलिए मैंने एक्ट बनाया। जो भी मैं मतलब बनाता हूँ वो देखा होता है और उसकी मजबूरी देखी होती है, इसलिए ये बनाकर मैसेज देना चाहता हूँ। तो अच्छा लगा है ना किंजल? ओके, तो पूरिया का बहुत चार हो चुका है गोल मटोल। अभी सिखंड पूरी और बटर का की सब्जी सब चीजें तैयार हो चुकी है। अरे पापा खाने बैठ चुके हैं। पापा क्या रहे थे? अरे सुपर मेरे बनाया हूँ खानी हुई। पूरी भाई पूरा कासरोट भर के बनाया है मर्चा विद और ठंडी ठंडी लास्ट में छाछ भी लेंगे। सुपर बनियो एम ने आंगली कोड़ी देव। तो भाई श्रीखंड मेरे पापा को बहुत ही अच्छा लगा है और किंजल को मजा आ गया। किंजल यहाँ पे खड़ी थी कि पापा को कैसे लगे? आप सबको अच्छा लगता है तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है। मेरे पापा को मजा आ गया भाई, पूरी और बटाका की सब्जी मजा आने वाला है। तो चलो भाई हम भी खाना खाने बैठ जाते हैं। अभी थोड़ा नाइट का नजारा भी दिखाते है। तो चलिए, कल व्लॉग नहीं रखा था लेकिन आज दो दिन का व्लॉग एक साथ में आएगा और यहाँ पे बहुत सारे पॉट्स आ चुके हैं जो गर्मी में सब बर्ड्स को वाले हैं। तो ये जो है ये हम जो भी चकला होता है तो उनको पानी इसमें भर के अभी हम लगाने वाले, बहुत सारे एज अ डोनेट हुआ है ये, तो हम इन पॉट को चकलियों के लिए लगाने वाले हैं। गर्मी का सीजन आ चुका है तो जिन किसी को भी ये पानी का परब भी बनाना है तो भी वो कॉन्टेक्ट करके ये कर सकते हैं। तो बर्ड्स का अभी गर्मी में बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, ठीक है? तो इस तरह इनकी सेवा आती रहेगी। तो आसपास में जहां पर भी जाएंगे वहां पे चकलियों के लिए हैंगिंग बर्ड करने वाले हैं और जिस गांव में भी वो पानी का परब ना वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके गांव में आसपास के अमरेली जिला में वहां पे वो पानी का परब भी हम बनाएंगे ताकि आसपास के निकलने वाले जो राहदार होते हैं, जो सफर मुसाफिर होते हैं, उनको अच्छा ठंडा पानी मिल सके, ठीक है? तो ऐसा है। और बाहर मेरे गुलाब का पॉक का नजारा कर रहे हैं और पोक अभी खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है पोक का और जितना है उतना अभी ऑर्डर है, बाकी सब खत्म है। अभी मेरे काका पोक का नजारा रात को अभी प्रोग्राम करते हैं थोड़ा पोक वाला, तो पोक का काम चल रहा है और ताजा ताजा पोक निकाल के खाएंगे। और बाकी पोक का काम सब खत्म हो चुका है, पोक अभी से नहीं मिलेगा, अगले साल मिलेगा और अगले साल हम काफ़ी स्टॉक करके रखेंगे, ठीक है? बहुत सारे ऑर्डर है जिनको भी मना करना पड़ेगा और काफ़ी जिसने ऑर्डर अभी तक दे दिया उनको हम भेज देंगे, ठीक है? और घर पे मेरे काका आज बाहर गए थे तो मस्त पोक की डूंडी ताज़ा ताज़ा लेकर आए। काफ़ी टाइम से हमें खाने का मन था लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था और मेरा काका ने टाइम और पोक दोनों लेके आए और अभी रात का नजारा भट्टी करके पोक पाड़ियो। क्या लागे केवो पोक छे काका? अरे एक नंबर जो आटली छेकवानी होय, आटली छेकवानी होय ने, आटली थी पूरू। ओके, વધારે છે કે નાખો તો ઓલું કોક ને એમ થાય કે પોક માં મરી ભેળ ગઈ, મરી નાખી, હા કાળા દાણા થઈ જાય એટલે હું છે મરી ગઈ, આ કોક ને નો ખબર પડે ને એમ થાય કે મરી નાખી છે, મરી હું ભાવ મળે પૂછું હજી મહેનત બાકી છે, હજી શું કરશો તે પોક મસ્ત હો ચુકા હે, રેડી ગ્રીનરી ગ્રીનરી વાળા લેકે આયે તો મજા આને વાલા હે। गेहूं होता है ना ग्रीन होता है तब खाने का अलग ही मजा आता है। डूंडिया सब अलग कर दिया है और ये भाई सौराष्ट्र में खाने का मजा आता है और वो भी गांव में, बाकी पोक बहुत कम मिलता है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का दिन भी बहुत ही मस्त, कल ऐसे ही रात को एंजॉय करते करते आज का गुड मॉर्निंग कर दिया हमने और आज बर्ड्स को पक्षी को हैंगिंग करके जो पॉट्स लगाने वाले हैं, अंदर क्या पानी ठंडा रहता है इसलिए हमने मिट्टी का चुना है
और आसपास में जहाँ पर भी कीट देने जाएंगे वहाँ पे हम पॉट है वो लगाएंगे ताकि बर्ड्स वो पानी अच्छे से पी सके। और पापा भी इधर बैठ चुके हैं। जय स्वामीनारायण। मजा में। ओके, मेरे पापा वाड़िया जा रहे हैं। जय स्वामीनारायण। स्वामीनारायण। आज हूँ काम थे पापा वाड़िया तो कपास सुखवाना था ले आज रजा रखी थी। अच्छा, मक्खन और भाखरी हमने खा लिया तो दोनों बेटिया और मॉम क्या करे वो भी देख लेते। और यहाँ मेरी बेटी देखो चिकू। ए चिकू रूही बेगी, मेरी बेटी वेल टैलेंटेड रूही जो आप सबको रुलाती भी है, हंसाती भी है और अच्छा मैसेज भी देती है। और काफी टाइम के शॉर्ट टाइम के बाद मेरी बेटी भी आरोही भी रेडी हो जाएगी। फ्रेशनेस वाला धीरे धीरे सारे पौधे अब सुबह होती है और जब हम इंसान को भी अच्छा लगता है वैसे हर पौधे को भी एक अच्छा लगता है। तो इस पौधे के लिए, इस नेचर के लिए, भगवान ने जो भी ये दुनिया बनाई, इस दुनिया के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि ये जो पूरा एटमॉस्फेयर है, ये जो हवामान है, ये खुशियाँ हमें इस नेचर से ही मिलती है। आपको पता होगा कि जब नेचर बिगड़ता है तब हमारी ज़िंदगी भी अप डाउन हो जाती है। तो ख़ास हम इसका ख्याल रखेंगे और इससे जुड़ी हर चीज़ का ख्याल रखेंगे। जैसे बर्ड्स है तो बर्ड्स के लिए जो हमने पॉट्स तैयार किए हैं वो बहुत ही बढ़िया है। और गांव में पानी का परब बनाएंगे ताकि क्या, पहले ज़माने में जो भी राहदर निकलते थे उनको पानी पिला जाता था, लेकिन अभी कोई ऐसे रहते नहीं है कि पानी पिला, इसलिए हम वहाँ पे वो पानी का परब बनाएंगे गांव-गांव में ताकि वहाँ पे आते जाते लोग पानी पी सके, को एक संतोषकारक ठंडक मिल सके। तो इसमें भी जिस किसी को भी सेवा देनी है तो भी डिस्क्रिप्शन में नंबर है। इस प्रकृति में जो भी जिस किसी को प्यार है वो भी जुड़ सकते हैं जय हो विलेज में। ठीक, वे के 10:30 बज चुके हैं और यहाँ पे मेरे पापा और आरोही दोनों मस्त खेल रहे। ए चकली। और किचन में देखते हैं किंजल क्या बना रही है और किंजल का कुछ नया अंदाजा। और वाह, मेरी बेटी रूही मस्त लग रही है, तुम तो मस्त तैयार हो चुकी हो। मामा सब करती है। और कोई कौन करेगा? और तुम क्या बना रही हो किंजल? चिक्कू का जूस। वाह, तो इसमें डाल दिया है ऑलरेडी चिक्कू और दूध और चिक्कू का जूस मेरी बेटी रूही के लिए। पापा हाँ बेटा, बस जमीन मैंगो और पाइनएप्पल ताजा। ओके बेटा, बच्चे को फ्रूट खिलाया कीजिए क्योंकि जो मार्केट से आप लेकर आते हो सब्जी मंडी उसमें ज्यादातर गुणवत्ता आजकल बहुत कम होती जा रही है। मेरे रिसर्च के अनुसार जितना मैं बाहर ढूंढता हूँ लेने जाता हूँ उसके हिसाब से पता चल रहा है कि आज हम जितना खा रहे उतना बहुत ही कम है। कल महिला अधिवेशन का मैंने स्पीच देखा जो सूरत में हुआ, उसमें मुझे एक बात बहुत ही अच्छी लगी आनंदीबेन पटेल की। उसने बोला कि जो भी बच्ची बड़ी हो रही है, मतलब एक औरत जिसकी शादी होने वाली है तो उनका एक हीमोग्लोबिन ज़रूर करवाइए, तो वो बहुत ज़रूरी है। उसने ये बहुत मस्त मैसेज दिया, मुझे भी अच्छा लगा कि खास वो हीमोग्लोबिन पता चलेगा कि कितना है। अगर 11 से ऊपर रहेगा तो बहुत ही अच्छा है, वरना 11 से नीचे रहेगा। काफ़ी ऐसी औरत है जिनका आजकल जो भी खाने के हिसाब से फूड अच्छा नहीं मिलने के कारण वो हीमोग्लोबिन है वो 7, 8 या 10 कम से कम होता है। तो क्या है, जब भी उनकी शादी के बाद डिलीवरी का टाइम आता है तो वो कैपेबल नहीं होती एक बच्चे को पैदा करने के लिए, मतलब बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए, क्योंकि उसके अंदर ही इतने प्रोटीन कम है, इसके अंदर ही मात्रा कम है, तो आने वाले बच्चे के अंदर ही वो कम ही रहेगी। इसलिए जनरेशन जैसे इस दुनिया में आती है उनके अंदर देखो थोड़ी ना थोड़ी कमियाँ रहती ही रहती है। हर बच्चे के हर घर में ऐसा होता है कि कोई ना कोई कमियाँ ज़रूर रहती है, तो ये कमियाँ ना रहे इसलिए हर बच्ची हर औरत को एक बार हीमोग्लोबिन करना चाहिए ताकि वो पता चले। और हीमोग्लोबिन अगर कम आए तो उस हिसाब से आप घर पे अपना खुराक चेंज कीजिए, प्रोटीन वाला खाइए ताकि वो हीमोग्लोबिन प्लस हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे किंजल ने मस्त रूही के लिए यहाँ पे चिक्कू का जूस बहुत ही मस्त बन चुका है। ठीक है, थैंक यू। तुम हर रोज ऐसा कुछ ना कुछ सबको पिलाया करो ताकि सबका हीमोग्लोबिन अच्छा है। ठीक है, तुम्हारा हीमोग्लोबिन कितना है? 11 मतलब सही है, मतलब 11 से ऊपर जितना हो अच्छा है। तो ये बात खास नोट कीजिए, आप सब लोग कीजिए अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाइए और कम है तो घर पे उस तरह के फूड मैनेजमेंट कीजिए। खाना है ना बेटा? चलो चलो, दोपहर में बनाए सरगवा की सब्जी लगातार किंजल बनाती जा रही है। तो किंजल बस आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, कल दोपहर 2 बजे हम सबको वापस मिलते हैं। ओके ओके पापा, क्या हम पापा सरगवन से खाऊ जो रोज पांदड़ा चलिए खाना कर दिया शुरू सब लोगों ने। और छाछ का मसाला मैं जो आपको भेज रहा हूँ
वो 100% मतलब ऑर्गेनिक आएगा। जो भी चीज भेज रहा हूँ उसमें कुछ ना कुछ ऐसी गुणवत्ता आएगी जो आपको हेल्थ के लिए बहुत ही सही रहेगा, क्योंकि आनंदी बहन का मैसेज मुझे सही में बहुत अच्छा लगा। आपके शरीर में हीमोग्लोबिन सही मात्रा में होना चाहिए ताकि आपके बूढ़ेपे में भी आप अच्छे से जी पाओ, रह पाओ, ठीक है। तो दोपहर में हम इसी तरह व्लॉग अभी शॉर्ट टाइम के लिए रखेंगे, क्योंकि नाइट में भी जो भी हम मस्ती करते हैं, आज का नाइट वाला भी जो भी प्रोग्राम है वो हम सब दिखा पाए, क्योंकि कल जैसे पॉक का हमने यहाँ पे एंजॉय किया, तो नाइट का नजारा भी अब से आपको देखने को मिलेगा। और दोपहर में व्लॉग रखूंगा शॉर्ट टाइम के लिए, उसके बाद रात में जब भी करूंगा तब आपको बोल दूंगा, ठीक है। तो बस ऐसा ही आज का नजारा, और रूही का अच्छा अच्छा मैसेज वाला भी कॉमेडी वीडियो और मैसेजिंग वाला बनाता रहूंगा, वो भी आपको बहुत ही अच्छा लगा, कमेंट भी बहुत ही अच्छा ही है। और आपके दिमाग में भी अगर कोई ऐसा है, आपके आसपास में ऐसा कुछ ऐसा बना है जो समाज को एक मैसेज देना चाहते, तो भी खास कमेंट कीजिए, उसके ऊपर भी फोकस करके एक अच्छा रूही का वीडियो भी बनाऊंगा, वो भी आपको शेयर करूंगा, ताकि आपको एंटरटेनमेंट भी मिले और आपके बच्चे को वो खास दिखाइए, ग्रुप में शेयर कीजिए, उस बच्चे को दिखाकर उनके माइंडसेट को अलग दिशा में लेकर जाइए, ताकि अभी आपके बच्चे वो देखेंगे तो उनके माइंड में तुरंत वो बात अंदर घुस जाएगी और पक्के पाए वो गांठ बांध लेंगे और उनके फ्यूचर में वो कभी गलत नहीं करेंगे। ये बहुत ही बड़े साइंटिफिक या बहुत बड़े गुरु का मानना है, तो ये सही है, अपने बच्चे को आज से ही ख्याल रखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ऐसे अच्छे अच्छे मैसेज लाते रहेंगे और कल वापस दोपहर 2 बजे मिलते हैं, तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।